स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों यूपी बी एड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी चल रही है, उसी क्रम में आज की जो आपकी वीडियो होगी वो होगी जनरल अवेयरनेस की, सामान्य जागरूकता की। यहाँ पर वीडियो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसके थोड़े इजी रखे गए हैं, लेकिन इसी टाइप का जो पेपर है आपको वहाँ पर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? कंप्यूटर, टेलीविजन, डायनामाइट, टाइपराइटर। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, डायनामाइट का आविष्कार किया था नोबेल, और उनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 1901 से 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आपके लिए करंट से संबंधित भी नोबेल पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोबेल पुरस्कार वाली हमारी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं देख सकते हैं आप, यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और योजना आयोग अब समाप्त कर दिया गया है, 1 जनवरी 2015 से इसकी स्थान ले लिया है नीति आयोग ने, और नीति आयोग के अध्यक्ष भी आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं, परंतु उपाध्यक्ष अलग होता है। उपाध्यक्ष या अध्यक्ष कौन आपसे पूछा जाता है, तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर यह ध्यान रखना है। उपाध्यक्ष की बात वर्तमान में की जाए तो राजीव कुमार वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, और यदि अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष लास्ट उपाध्यक्ष कौन थे? तो माउंटेन सिंह अहलूवालिया इसके लास्ट उपाध्यक्ष थे, और योजना आयोग के अध्यक्ष लास्ट कौन थे? तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करते हैं मुख्य न्यायाधीश की, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश, परंतु राष्ट्रपति इस्तीफा किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। ये तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? 6 से 14, 15 से 10, 3 से 8, 7 से 12। तो सही आंसर आपका होगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, 6 से 14। और ये कर दी गई थी कब? 2011 में, 2010 में इसका प्रस्ताव लाया गया था और यह बिल पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की गई है? 18C, 20B, 15D, किसका ए? सही आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, 21A के तहत जो है शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, और इसे कहते हैं मूल अधिकार में जीवन जीने का अधिकार, 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, चाणक्य, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, वाशिंगटन, बर्न। तो यूनेस्को विश्व विरासत जारी करने वाले जो संगठन है यूनेस्को, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी, पेरिस में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। सही आंसर इसका क्या होगा आप बता सकते हैं? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा। दोस्तों थोड़ा फुर्ती कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, तो आप बता सकते हैं बिगर ऑप्शन के भी, इसलिए बोर ना हो, इसलिए हम भी थोड़ा फुर्ती करेंगे। प्रसार भारती का अध्यक्ष कौन है? मृणाल पांडे, बी एस लल्ली, अरुण भटनागर, बी के सिंह। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, मृणाल पांडे वर्तमान में प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा व लोकसभा को संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो राज्यसभा और लोकसभा का जो संयुक्त अधिवेशन है वो बुलाया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, अनुच्छेद 108, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है काफ़ी परीक्षाओं में, और याद कर लेंगे कि राज्यसभा का अनुच्छेद क्या है, लोकसभा का अनुच्छेद क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी, संस्कृत, बंगाली, असम। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई है, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 2020 विश्व कप के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी प्रथम T20 विश्व कप के कप्तान थे। वर्तमान में कप्तान कौन है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, वर्तमान में T20 विश्व T20 के लिए कप्तान कौन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है? सतलज, तुंगभद्रा, गंगा, रिहिंद। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, सतलज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वें फिल्म समारोह में कौन सी फिल्म सर्वश्रेष्ठ चुनी गई? अंतहीन, फैशन, जोगवा, कांचीवरम। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, कांचीवरम सर्वश्रेष्ठ चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में पूछा गया है, खेल प्रदर्शन, खेल प्रशिक्षण, चलचित्र, चिकित्सा। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, खेल प्रशिक्षण। और खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनके जो कोच रहे हैं उन्हें इन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान साहिब, महात्मा गांधी, लियाकत अली खान। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1952। तो सही आंसर आपका सी ऑप्शन होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या है, 1 अप्रैल 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WWW का पूरा नाम क्या है? WWW, ठीक है। तो इसका जो सही होगा वो होगा आंसर आपका, देख सकते हैं आप पहले आप यहाँ पर विकल्प देख सकते हैं, सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, मांसपेशियाँ। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, हृदय करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ECG पूछा गया है आपसे तो ये हृदय से संबंधित है, यदि आपसे EEG पूछा जाता है तो वे मस्तिष्क से संबंधित है। यहाँ पर सी ऑप्शन होता तो ECG और EEG दोनों में कम जो है आप पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। तो सही आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन होगा आपका डी, सही, राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि वो राज्यपाल कर देते हैं, तो यहाँ पर राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10, 11, 12, 14। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, 11। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग पाँच के खंड के में दिया गया है क्या मौलिक कर्तव्य है, और वे दिए गए हैं कितने, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून बहना रुकता है? खून का बहना रुकता नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है, यहाँ पर आंसर जो आपका होगा वो होगा विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? तो देख लेंगे यहाँ पर, चेचक, पोलियो, प्लेग, खसरा। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली, सही आंसर आपका होगा, पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, प्रीति सेन गुप्ता, आरती शाह, अनिता सूद, संतोष यादव। सही आंसर आपका ए ऑप्शन से है, प्रीति सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? अमिताभ घोष, अरुंधति राय, अरविंद पड़िगा, महाश्वेता देवी। तो सही आंसर आपका डी, सॉरी सी ऑप्शन होगा, अरविंद अडिगा इसके लेखक हैं, काफ़ी फेमस पुस्तक है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो सही आंसर आपका जो होगा, आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, यहाँ पर सही आंसर आपका होगा ऑप्शन, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आप, केसी पंत, रंगराजन, खुसरो, विजय एल केलकर। तो सही आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, विजय एल केलकर। और मैं आपको बता दूं कि 13वें आयोग के थे ये, 14वें आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई वी रेड्डी 14वें के थे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। और आपको मुझे बताना है कि 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट आएगी वे कब से कब तक के लिए लागू की जाएगी? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? 1682, 1782, 1582, 1882। तो दीन ए इलाही की स्थापना हुई थी 1582 ईस्वी में, और किसने की थी? अकबर ने, क्योंकि अकबर एक नया धर्म चलाना चाहता था, दीन ए इलाही की इसलिए स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक गेहूँ की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। सही आंसर आपका होगा बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं की पैदावार होती है। और यदि यहां पर पूछा जाता कि प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक कहां पर होती है, तो यहां पर आंसर आपका बदल गया होता, क्या होता? ए ऑप्शन यानी कि पंजाब होता यहां पर। तो देख लेंगे किस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस हिसाब से आप आंसर देंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, राजीव गांधी। सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए आपका स्वामी विवेकानंद सही आंसर होगा। इनके नाम पर ही क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है, युवा दिवस। और बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कि युवा दिवस कब मनाया जाता है, आप तिथि बताएंगे इसकी। और नेक्स्ट चलते हैं, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज। तो सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी फुटबॉल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, महात्मा गांधी। तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है किसके नाम पर? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है? जल में, वायु में, पारे में, लोहे में। सही आंसर आपका क्या होगा? ध्वनि का वेग पूछा है यहाँ पर, जल, वायु, पारा, लोहा। तो सही आंसर आपका यहाँ पर लोहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? राष्ट्रपति का आपातकालीन धारा हमने अपनी क्लास में भी पढ़ाया है आपको आपातकाल, तो बता देंगे। ऑप्शन ए 352, बी 124, सी 331 और डी 162। ऑप्शन देखते ही पता लग गया है, ऑप्शन ए 352 जो है आपकी आपातकालीन धारा से संबंधित है, और इसमें जो है आपका 352, 356 और 360 अनुच्छेद हैं जो आपकी आपात कह सकते हैं कि आपातकालीन धाराएं हैं। 352 में आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगता है जो देश में लगता है और देश के किसी भाग में भी लग सकता है। 356 जो है ये आपका राज्य में लगता है, 360 आपका वित्तीय आपातकाल होता है। देख लेंगे एक बार फिर से दोहरा लेंगे अपनी किताब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2009 में किसको दिया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार पूछा गया है सोनिया गांधी, वेंकट रमन राधाकृष्णन, बराक ओबामा, हेटो म्यूरलर। सही आंसर आपका सी होगा, बराक ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2009 में। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि, उद्योग, बैंकिंग, बीमा। सही आंसर आप देख लेंगे, बता देंगे, कॉमन क्वेश्चन है बिल्कुल, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, कृषि से संबंधित है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, मध्य उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से, भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद से। तो सही आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, जिसमें यह कहा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, बाराबंकी में। सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई थी? आगरा में, इलाहाबाद में, मेरठ में और लखनऊ में। सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, आगरा में। विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या है? उत्तर प्रदेश की विधान परिषद संख्या 100, 106, 107, 108। तो सही आंसर आपका होगा इसमें ऑप्शन ए, 100 संख्या है 100 विधान परिषद में। और यदि बात की जाती है विधानसभा की तो सदस्य संख्या है 404। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ हुई 18 जून 2004, 18 जून 2002, 18 जून 2003, 18 जून 2001। सही आंसर आपका डी ऑप्शन 18 जून 2001 सही आंसर होगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्रावधिक शिक्षा से। सही आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, प्राथमिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था, 1952, 1995, 2001, 2005। सही आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, गंगा, यमुना, रामगंगा, झेलम। तो सही आंसर आपका क्या होगा, सही आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, झेलम। उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर है, 0.2, 0.4, 0.1.4, 2.4। सही आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, 1.4। तो दोस्तों यहां पर हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको कराए हैं। यदि पेपर आपको अच्छा लगा है, प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा है, तो प्रैक्टिस सेट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।